हमला जी यार बैक में नजर ब्लॉग अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जी नथिया गली का सफ़र है और सफ़र हमारा फैसलाबाद से स्टार्ट है। सफ़र की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सफ़र को मैंने खुद भी बहुत इंजॉय किया और मोबाइल भी मेरा बंद हो गया था। तो आप तो पूरा मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये व्लॉग है और आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये जी हम नथिया गली तकरीबन पहुंच चुके हैं। कुछ सड़क जो है नथिया गली की आजकल ख़राब है थोड़ी सी, जो मैंने आपको दिखाई है, बाकी साफ़ सुथरी सड़क है और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है। और 600 किलोमीटर में आप फैसलाबाद से नथिया गली पहुँच सकते हैं। तो ले जी, रेड ओनियन में हमने स्टे किया था, नथिया गली के अंदर बाज़ार के अंदर ये इनका होटल है। होटल की डिटेल वीडियो, रूम्स की और सारी वीडियो इंशाल्लाह अगले पार्ट में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने होने वाली है, तो इस वजह से वन बाई वन। ये जी, इस होटल के जो है सूप और खाने बहुत मज़े के हैं और आप लोग आएँ यहाँ पे विज़िट करें, बड़ा ज़बरदस्त इनका खाना भी है और होटल के रूम्स भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। और ये जी हमारी फुल फैमिली आई हुई है, मेरे साथ मेरी जुठानी, नंद भाई, बाबी और सब मिलके हम इंजॉय करें। सर्दी है खूब सारी। हेलो जी, हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। दिस इज उम्मे हरम ऑफिशियल FSD। हमारे नथिया गली ब्रो इंजॉय हो रहा है फुल बार पे। ये है जी बैग, सारा होटल बुक करवा लिया हमने। हमने क्या फैमिली आनी है होटल में ना, कोई और ना हो। इंजॉय हो रहा है फुल जी, अब उम्मे हरम आप। और इधर जी डांस प्रोग्राम हो रहा है और सब अपना अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं, कुछ टिकटॉक बना रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं। तो चले जी, अब मैं आपको नथिया गली का बाज़ार दिखाती हूँ। तो के रात के टाइम अच्छा मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बच्चों के लिए एक स्वेटर वगैरह अगर आप जाएँ तो ज़रूर लेके जाएँ, बड़े भी कोई शॉल वगैरह लेके जाएँ। जैसे हमारा फैसलाबाद में सर्दियों का दिसंबर में मौसम होता है वैसा मौसम है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और ये बाज़ार में आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, रश था, ईद के दिनों में गए थे तो ईद के चौथे दिन जब हम वापसी कर रहे हैं तो तब रश ज़्यादा हो गया था, लेकिन हम फर्स्ट डे ही पहुँच गए थे रात के सुबह के टाइम, सेकेंड डे यानी, तो रश इतना ज़्यादा नहीं था। तो बाज़ार और ये जी एक शॉप है बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे शॉल्स थी, यहाँ की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, मैं आपको ज्वेलरी भी अभी दिखाती हूँ। और ये कैप्स है यहाँ की, सिंधी बलोची क्या जैसी भी कहते हैं ये कैप्स। और यहाँ से मैंने एक कैप भी ली है, चलिए मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे ये कैप कैसी लगी है।
अस्सलाम वालेकुम जी, ये उमे अरम का व्लॉग है और हम लोग इस टाइम नथिया गली में हैं। ये बैठी है उमे अरम जी और मोबाइल मेरे पास और ये इनके जी भाई 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 ये भाई है और ये है भाई जी आगे ये है जी मेरी और ये जी मेरे भाई वाली और ये है हमारी एक अदद पर्दे वाली भाभी और वो है मेरा बिलियनेयर भाई और ये है जी मेरी भतीजी और ये तो जानते ही आप कौन है। अच्छा जी, अच्छा यार हम नथिया गली में हैं तो हम इस टाइम रात के तकरीबन देखें आप ये 1:30 बजे हुए रात के, तो 1:30 बजे हम ये ओ माई पिज़्ज़ा शॉप पे आए हैं तो उन्होंने बड़ा कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ और बड़ी अच्छे खाना पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने की हमें 1:30 बजे फ्रेश इनके किचन में बिल्कुल देखें आप इनका किचन बिल्कुल फ्रेश है तो रिकमेंडेड है जी यहाँ पे आप आएँ। यहाँ पे शाह नवाज साहब बैठे होते हैं और ये इनका मेन्यू है, मेन्यू वेरी भी कर सकता है और ये जी हैं इनको आप जानते हैं जी ये वो हैं हमने यहाँ पे ग्रिल बर्गर ऑर्डर किया है और इनका स्पेशल पिज्जा ऑर्डर किया है। यह जी नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है और हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे नाश्ता वाश्ता करने को, देखने के सुबह के टाइम क्या क्या मिलता है। पूड़ी चने बहुत मज़े के यहाँ से मिल रहे हैं और बाकी भी काफ़ी नाश्ते की छोटी छोटी शॉप्स ही बाकी, लेकिन शॉप्स बंद हैं अभी। तो चलें जी अब हम जा रहे हैं आपको हाइकिंग दिखाने के लिए, हाइकिंग करके हम जा रहे हैं पार्क में। ये आप गाड़ी पे भी सफ़र कर सकते हैं इस पार्क का और आप लोग खुद पैदल भी जा सकते हैं। बिल्कुल हमारे होटल के बिल्कुल सामने से ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियों से ऊपर जी आप ऊपर जाके एक पार्क है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इसका रास्ता है और थोड़ा सा ही था तो हमने कहा हम खुद पैदल जाएंगे, बड़े सब जो हैं वो गाड़ी पर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइकिंग करना मुश्किल है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते जैसे कि मैं हूँ और उनके लिए बहुत मुश्किल है। नीचे से हमारा होटल नज़र आ रहा है और हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं ऊपर, तो ऊपर एक पार्क भी है, चर्च भी है, बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं। तो आप हमारे साथ रहेंगे इधर जी। हमारे साथ हाइकिंग कर रहे हैं जी, कराची के एक ग्रुप था उसके साथ हमारी फाइटिंग स्टार्ट हो गई और आप हमारी फाइटिंग देखिए कि आप क्या हो रहा है। छोटी मोटी गड्डी की नहीं पैंदी चिकन का बर्गर
मेरी जान जो है ज़िप लाइन ले रही हैं, यहाँ पे 70 kg तक के लोग ज़िप लाइन ले सकते हैं। तो ये जी मेरी भाभी ज़िप लाइन ले रही है, बच्चों सभी ने ज़िप लाइन ली है और बड़ा मज़ा आया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू है और बच्चों के लिए छोटे छोटे स्पोर्ट्स बने हुए हैं। आलू चने थे और पकौड़े चने मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें थी। ये जी हरम यहाँ पे ऊपर लटकी हुई है, तो अब मूसा को भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है यहाँ पे आके। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें, आपको नेक्स्ट व्लॉग मेरा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पर मैंने आपको होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। फिर उसके नेक्स्ट व्लॉग में लालाजार का आपको मैं गई थी, वहाँ पे ज़ू है, यहाँ पे नथिया गली का ज़ू बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। और फिर मैं गई थी पटियाटा चे लिफ्ट पे, और उसकी भी सारी वीडियो आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ताकि आपको सारी की सारी ये जो वीडियोस है ये मिलती रहें। तो ये जी आलू चने बहुत मज़े के हैं, आप लोग आएँ और यहाँ से ज़रूर खाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आ जाएगा, और वेट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।